धीरज में थोड़ी रे रसिया। तो ब्रज की होली के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको लठमार होली दिखाते हैं। ब्रज की लठमार होली भी काफी मशहूर है। इस तरीके से दुनिया भर में कहीं भी होली नहीं खेली जाती। लाठियों के साथ खेली जाने वाली इस होली की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नंदगांव में लठमार होली रंग के साथ लठ की बौछा, गोपियों की लाठी, फुरियारों की ढाल। नंदगांव में उड़े रंग और गुलाल, नाच उठे भक्ति में डूबी गोपियां और ग्वाल। ये ब्रज की होली है, नंदगांव वाली लठमार होली। इस होली में हुरियारों पर गोपियां लाठियों की बारिश कर रही हैं और हुरियारे हंसते हुए ढाल से अपना बचाव कर रहे हैं। हंसी ठिठोली के साथ ही इस आयोजन से रंगों का ये त्योहार और भी खास बन गया है। लठमार होली की जो तस्वीर है रंगीली चौक से, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हुरियार ने जो लठ है किस तरह से बरसा रही है बरसाना के हुरियारों पे, और उनके साथ उनके घर का कोई ना कोई व्यक्ति भी मौजूद है जो कि बिल्कुल हमारे पीछे है। और नंदगांव के हुरियारे और बरसाना के जो लोग हैं उनको उनका जो डिफ्रेंशिएट है वो बिल्कुल आप अलग से कर पाएंगे। बरसाना के हुरियारे पहुंचे हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं, छोटा सा छोटा कान्हा का रूप जिसको आप कहें वो भी ढाल लेकर के बैठा है और यहाँ पे नंदगांव की जो हुरियारन है उससे लठ खा रहा है। परंपरा के मुताबिक नंदगांव के हुरियारे जब बरसाना जाते हैं तो बरसाना की महिलाएं लठ बरसाती हैं, और फिर अगले दिन जब बरसाना के हुरियारे नंदगांव आते हैं तो नंदगांव की महिलाएं उन पर लठ बरसाती हैं। ये बहुत अद्भुत तस्वीर है जी, और इसका ये मान्यता है कि ये लोग ये इनका लोगों का है कि राजा रानी के यहाँ से इनके भाई वो जो आते हैं वो नंदगांव में हैं, और एक दिन पहले हम जाते हैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से, तो हम वहाँ पे राजा रानी जी के पास, हम बड़े उनके प्रेमी हैं इसलिए वहाँ पे। ब्रज की होली में लठमार होली की खासियत सबसे अलग है। इस लठमार होली से पहले गोपियों और ग्वालों के बीच रसिया गीतों की संगीतमय जंग भी छिड़ती है, जिसमें ग्वाले फुरियारिनों को सुरों से चिढ़ाते हैं ताकि रंग के साथ लठ बरसे और फिर वो उससे बचने की कोशिश करें। वैसे लठमार होली में कहने को लाठियां बरसाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में इनसे प्यार बरसता है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली सदियों से चली आ रही है और दुनिया भर में मशहूर है। लठमार होली की एक झलक पाने और उसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। ब्रज में आस्था का ये रंग और भक्ति की ये उमंग करीब 40 दिनों तक देखने को मिलती है, जिसमें हर तरफ उड़ता है गुलाल, लेकिन सबसे खास होती है बरसाना और नंदगांव की लठमार होली। दरअसल यही इस सांस्कृतिक त्यौहार की विशेषता है। खेलना तो रंग फूल अबीर और गुलाल से ही है, लेकिन मनाने का तरीका अलग अलग है। जो त्यौहार हमें एकता और हंसी खुशी से रहने का संदेश देता है, मन निर्मल करने का संदेश देता है, राग रंग की उसी परंपरा का नाम है होली। मथुरा से हर्षा चंदवानी और नैना यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको बरसाना की लठमार होली दिखाते हैं, जो नंदगांव में लठमार होली खेले जाने से एक दिन पहले खेली जाती है। बरसाना में भी महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल से लाठियों को रोकने की कोशिश करते हैं। ये परंपरा ब्रज में सालों से है और ये इतना भव्य होता है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग ब्रज की धरती का रुख करते हैं। आज
ब्रज में होली के रंगों की फुहार। रंग के साथ लठ की बौछार। गोपियों की लाठी, हुरियारों की ढाल। बरसाने से नंद गांव तक उड़े गुलाल और नाच उठे भक्ति में डूबे गोपियां और ग्वाल। धाम बरसाना में लठमार होली की छटा है, जहां नंदगांव से हुरियारे यानी ग्वालवाल पर हुरियारनु यानी गोपियों ने लाठियों की बारिश कर दी। हुरियारे हंसते हुए ढाल से अपना बचाव करते हैं और रंगों के इस त्योहार को और खास बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे रंगीली चौक पे इस वक्त हूं, जहां पे एक के बाद एक लठ बरस रही है। यहां पे नंदगांव के हुरियारों पे एक बात बताओ, कितनी लठ अब तक बढ़ चुकी है? कम से कम अब तक 1000 लठ मैंने गा लिए हैं और इतना उत्साह और इतना आनंद है कि 1000 लठ गाने के बाद भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं 1000-2000 लठ अभी भी खा सकता हूँ। आज ठाकुर जी की इस रंगीली होली में इतना उत्साह है कि आज पता ही नहीं लग रहा है कि कितने लठ खाएंगे और कितने खाएंगे। आज तो यानी कि लठ खाने भी लगा खाने वाले लगातार कई घंटों तक, और यहाँ भी जितने हैं ये जितने नंदगांव के होरियारे हैं जो रसिया गीत गा करके होरियारों को उकसाते हैं। बरसाने की लठमार होली सालों से चली आ रही है और दुनिया भर में मशहूर है। तभी तो इस लठमार होली की एक झलक पाने और उसमें शामिल होने देश दुनिया से हजारों लोग यहां पहुंचे। जो वर्ल्ड फेमस है उसको देखने के लिए हम दिल्ली से इतनी दूर आए और सभी संसारों को बता रहे हैं कि हम लठमार होली खेलने जा रहे हैं। हमने फेसबुक पे चेक इन किया है, हर जगह व्हाट्सएप स्टेटस स्टेटस किया है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली खेलने बरसाना जाते थे, जहां वो राधा और उनकी सखियों के साथ झिढोली भी किया करते थे, जिससे नाराज होकर राधा और उनकी सखियां ग्वालों पर लाठियां बरसाती थी। कृष्ण और उनके दोस्त इससे बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। साथ होली खेलने का ये तरीका धीरे धीरे परंपरा बन गया। यहाँ की गोपियाँ इस मौके का साल भर इसी तरह इंतजार करती हैं और इसके लिए खास तैयारियाँ भी करती हैं। हमारे साथ कितनी खूबसूरत होरियारन है, ये शादी की साड़ियाँ लहंगा आज के दिन निकालते हैं और ये होरियारन पहुँची है। एक बात बताइए, अब तक कितने होरियारों को लठ बरसा चुकी है? मैं 200 को बरसा सकूं। 200 को, और कितना मेहनत कितना दम लगता है ये तो बताइए। दम तो बहुत लगता है, पूरी ताकत से खेलना पड़ता है। और इस दम और ताकत के लिए मेहनत भी महीनों पहले की होगी? हाँ, महीनों पहले करनी पड़ती है। क्या क्या करती है मेहनत में? हम अपने कपड़ों की तैयारी करते हैं, खुद के भी अपनी बॉडी बनाते हैं ताकत के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। लठमार होली में नंदगांव और बरसाने की गलियां रंगी हैं। लोग मुरली मनोहर की भक्ति में रंगे हैं। इस लठमार होली से पहले गोपियों और ग्वालों के बीच रसिया गीत की जंग भी छिड़ती है, जिसमें ग्वाले हुरियारिनों को सुरों से उकसाते हैं ताकि रंग के साथ बरसे लठ। जो यहाँ पे हुरियारे और हुरियारिनों के बीच में जो रसिया गीत कंपटीशन चल रहा है, यही कहा जाए, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे हुरियारे जो है लगातार बरसाना के हुरियारिनों को उकसा रहे हैं रसिया गीत के माध्यम से। ये हमें खिजा रहे हैं, हम इनको गाली दे रहे हैं, इनके कुटुंब सहित बता रहे, तुम्हारी औकात का है हमारे साथ होली खेलने की? अच्छा, और ऐसे ऐसे में कितना लठ मारने वाले हैं, कितने लठ बरसाने वाले? बहुत कसक निकालेंगे साल भर की। ब्रज में आस्था का ये रंग और भक्ति की ये उमंग करीब 40 दिनों तक देखने को मिलती है, जिसमें हर तरफ उड़ता है गुलाल, लेकिन सबसे खास होती है बरसाना और नंदगांव की होली लठमार। बरसाना से हर्षा चंदवानी और नैना यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।